तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में लगातार नए नए फिल्में रिलीज हो रहे हैं। इसी के साथ एक्शन से भरपूर मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम बहुत ही जल्द सिनेमाघरों की जीनत बनने वाला है। फिल्म की शूटिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। राधे श्याम फिल्म में एक्शन स्टार दिलेश साहू और स्टाइलिश स्टार लक्षित झांझे जी तबाही मचाते नजर आएंगे। दिलेश साहू राधे और लक्षित जी श्याम का किरदार निभा रहे हैं। अब की बार छत्तीसगढ़ी सिनेमा हॉल में जबरदस्त धमाका होने वाला है, क्योंकि राधे श्याम फुल एक्शन पैकेज फिल्म है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और आशिकी फिल्म के फेमस हीरो राहुल रॉय भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसमें राहुल रॉय जी एक ठाकुर का किरदार निभा रहे हैं। इन्होंने अपने हिस्से का जितने भी सीन्स थे सभी सीन्स की शूटिंग कम्प्लीट कर चुके हैं और अपने शहर माया की नगरी मुंबई वापस लौट चुके हैं। कोई भी बॉलीवुड के बड़े अभिनेता आकर छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा राधे श्याम फिल्म में बहुत ही दिग्गज कलाकार जैसे रजनीश झांझी, पुष्पेंद्र सिंह, उपासना वैष्णव, अंशुल अवस्थी, सागर सोनी, अमित शर्मा, संजीव कुमार और सबसे खास मेरे फेवरेट अजय पटेल जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मेन विलेन की बात करें तो जीत शर्मा जी खूंखार अंदाज में विलेन की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले जीत शर्मा जी घर परिवार फिल्म में मेन हीरो का रोल कर चुके हैं, जिन्हें पब्लिक के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था। उनके दमदार एक्शन और अभिनय को देखकर राधे श्याम फिल्म में इनको विलेन के रूप में कास्ट किया गया है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक सिंह जी, जिसे RM प्रोडक्शन और GM एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया जा रहा है। अभिषेक सिंह जी इससे पहले दबंग दरोगा, हमर बगवा और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म मैं दिया तैमुरबाती जैसे बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म भी धमाल मचाएगा। बात करें गीत संगीत की तो इस फिल्म में गाना तोशंत कुमार और मोनिका वर्मा जी के होने वाले हैं। इनके बारे में नहीं पता है तो आपको बता दूं, जिस तरह बॉलीवुड में सचेत परंपरा की जोड़ी हिट है, उसी प्रकार हमारे छोलीवुड इंडस्ट्री में तोशंत कुमार और मोनिका वर्मा की जोड़ी सुपर हिट है। हाल ही में इनकी मोहिनी सॉन्ग को 100 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं, जो किसी भी छत्तीसगढ़ी गाने को इतने व्यूज नहीं मिले हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा और इंडस्ट्री को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। राधे श्याम फिल्म की शूटिंग कांकेर घाटी के हसीन वादियों में हो रहा है। बात करें रिलीज डेट की तो दोस्तों इस फिल्म का रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द डेट अनाउंस होने वाला है। जैसे ही डेट फिक्स होता है तो इसका अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।